Very good morning, dear students. Dear students, today we are going to start your second part of the redox reaction, chapter number 10. ठीक है, तो in the previous section we learn about the how the oxidation number, how we calculate the oxidation number of a molecule. Now we are going to proceed further and last topic of this chapter, that is balancing redox reactions. ठीक है, तो dear students, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट मेथड इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. अंडरस्टैंड, सपोज क्वेश्चन इज गिवन कि क्रोमियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सल्फर ट्राई ऑक्साइड, देन इट फॉर्म क्रोमियम एंड सल्फेट आयन्स. बैलेंस दिस इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. तो हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इसको बैलेंस करना सीखेंगे. ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन मेथड एंड बाय एक इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम. तो इसमें एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों हम देखेंगे. ठीक है, तो ये हम दे रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन एसिडिक मीडियम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस स्केलेटन इक्वेशन, स्टेप वन. ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया होगा, आपने उसकी क्या करनी है, स्केलेटन इक्वेशन को राइट करना है. देन असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम एंड सल्फर. जो इक्वेशन दी है, क्रोम में सी आर टू ओ सेवन टू नेगेटिव, एस ओ थ्री टू नेगेटिव, सी आर टू प्लस, एस ओ फोर टू नेगेटिव. तो सेकेंड आपका काम है बेटा कि इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करना है. अंडरस्टैंड, सो यहाँ पर क्रोमियम का प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन नंबर है और ऑक्सीजन का ऑब्वियसली बात है माइनस टू होता है. सल्फर का आप कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस फोर आएगा. कैसे, थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस टू माइनस सिक्स, इसको एक्स मान लो तो सिक्स माइनस टू इज इक्वल टू फोर, फोर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा. क्रोमियम प्लस थ्री एंड सल्फर का यहाँ पर फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस टू एट. अंडरस्टैंड, एट माइनस टू इज इक्वल टू प्लस सिक्स. सो सेकेंड स्टेप है आपका, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द स्केलेटन इक्वेशंस. नोट डियर स्टूडेंट, यहां पर प्लस थ्री होगा डियर स्टूडेंट्स, थ्री प्लस, तभी इसका चार्ज थ्री प्लस आ रहा है. अगर टू प्लस होता तो टू आता. ठीक है, नो स्टूडेंट स्टेप थ्री है. स्टेप थ्री में क्या करना है, आपने इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को ऑब्जर्व करना है. तो यहाँ पर देखिए बेटा, क्रोमियम प्लस सिक्स से प्लस थ्री में चेंज हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड सल्फर जो है वो प्लस सिक्स में चेंज हो रहा है. तो देर इज ए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एटम. ठीक है, नो बाय टू बैलेंस क्रोमियम एंड सल्फर. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी बैलेंस द क्रोमियम एंड सल्फर. तो यहाँ पर टू है बेटा क्रोमियम, यहाँ पर केवल वन है. तो मल्टीप्लाई लेफ्ट राइट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड है. तो राइट हैंड साइड वाले क्रोमियम को आपने टू से मल्टीप्लाई करना, बिकॉज जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी टू है. फिर आपने सल्फर को बैलेंस करना बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. तो यहाँ पर तीन लगा देंगे, यहाँ पर थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो स्टेप थ्री में बैलेंसिंग क्रोमियम एंड सल्फर बाय मल्टीप्लाइंग विद सुटेबल नंबर. ठीक है, तो राइट डाउन सी आर टू सेवन एक्वस प्लस एस ओ थ्री टू नेगेटिव एक्वस, देन सी आर थ्री प्लस प्लस एस ओ फोर टू नेगेटिव. अंडरस्टैंड, एक्वस. तो इसको भी आपने टू से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर थ्री से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर थ्री से मल्टीप्लाई करना है. अंडरस्टैंड, होप यू अंडरस्टैंड. तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, देर इज ए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम एंड देर इज ए इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सल्फर. सल्फर फोर से सल्फर सिक्स में जा रहा है. ठीक है, सो टू बैलेंस द क्रोमियम एंड सल्फर, मल्टीप्लाई क्रोमियम बाई टू एंड सल्फर बाई थ्री. ठीक है, टू बैलेंस क्रोमियम एंड सल्फर, ये आपका स्टेप थ्री हो गया. ठीक है, नो स्टेप फोर क्या है बेटा. अब स्टेप फोर में मैं आपको बता रहा हूं कि दिस रिएक्शन प्रोसीड सिंस रिएक्शन प्रोसीड इन एसिडिक मीडियम.
तो आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ले रहे हैं एसिडिक मीडियम में। तो बेटा अब एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन को लेंगे तो चार्जेस आर नॉट इक्वल, ठीक है, हमें चार्जेस को बराबर करना है। तो चार्जेस को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, एच प्लस को ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर एच प्लस आयन ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेटा चार्ज यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर चार्जेस कम है, ठीक है। तो टू मेक द चार्जेस इक्वल वी एड 8H+ आयन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो सेम वही चीज़ आप राइट करोगे Cr2+ 3SO3 2- + 8H+ 2Cr3+ 3SO4 2-. अब बेटा देखिए यहाँ पर चार्जेस इक्वल हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सल्फर के ऊपर 6 चार था, इसके ऊपर 3, तो 6 और 3 9 हो गए, ठीक है, 9। और यहाँ पर देखिए आप क्रोमियम के ऊपर +6 का चार्ज है और ये 10 हो रहे हैं, ठीक है, एक तरह से। तो टू मेक द चार्जेस इक्वल वी एड एच प्लस आयन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब आप देखिए चार्जेस आर इक्वल्स, चार्ज को चार्ज इक्वल हैं क्रोमियम 3+ सल्फर SO4 2-, ठीक है, SO3 2- एंड यहाँ पर Cr2 O7, ठीक है, तो ये 2 हैं। तो बेसिकली ये चार्ज इसको बराबर बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, 8H+ को ऐड किया टू मेक द चार्जेस इक्वल, ठीक है। नो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा, आगे हम टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम जस्ट ऐड वाटर मॉलिक्यूल ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। जो स्टेप 5 है, लास्ट स्टेप है, उसमें हम क्या करेंगे, जो आपका हाइड्रोजन है उसको बैलेंस करेंगे और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो ये आपकी फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशंस बन जाएगी। नो डी स्टूडेंट, व्हाट इज द लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप इज ऐड द हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल ऑन द राइट हैंड साइड। तो बेटा हाइड्रोजन को आपने बैलेंस करना है, क्योंकि आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को बैलेंस करना है, तो 4H2O ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए आप 4 से मल्टीप्लाई 12 + 4 16, तो यहाँ पर देखिए आप 9, ठीक है, 9 and 7 कितने हो गए 16। तो ऑल दी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम गेट बैलेंस्ड। तो बेटा यहाँ पर इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, आपने चार्ज को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हम 8H+ ऐड कर रहे हैं टू बैलेंस द चार्ज ऑन द बोथ द साइड, ठीक है, बराबर चार्ज आना चाहिए। तो यहाँ पर चार्ज ज़्यादा था इस साइड और इस साइड चार्ज कम था, ठीक है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पर क्रोमियम +3 था, सल्फर +6 और ये -2। अंडरस्टैंड, तो 6 + 4 10 10 - 4 6 और यहाँ पर 9 6 3 9 9 से 2 7, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा चार्ज ज़्यादा है बेसिकली, और यहाँ पर चार्ज आपका कम है, ठीक है। तो दोनों चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर H+ आयन ऐड करने पड़ रहे हैं। इफ़ देर इज ए दिस इक्वेशन टेक्स प्लेस इन बेसिक मीडियम, तो यहाँ पर आप OH- आयन को पुट करेंगे। एंड लास्ट स्टेप में पुट द H2O मॉलिक्यूल टू बैलेंस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। सो दिस इज द कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन by oxidation number method in acidic medium and basic medium. If the reaction takes place in basic medium, then add OH- ion. Understand? तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो उससे मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसको नोट कीजिए आप।
Now, dear student, look at this reaction, reaction of MnO4 negative with Br negative ions in basic medium. So, beta, ye Skelter, first of all, you write the Skelter equations for this, understand? Then, what happened, give the oxidation number on each element. तो मैग्नीज के ऊपर प्लस सेवन का ऑक्सीड, क्योंकि फोर मल्टीप्लाई बाय टू माइनस एट माइनस वन प्लस सेवन हो गया, तो सबके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर आपने देना है, ठीक है। तीसरा है बैलेंस द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। तो मैग्नीज को हम बैलेंस करेंगे टू से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीज को हमने बैलेंस किया है, एक तरह से चार्जेस को इक्वल किया है, ठीक है। सो एज द रिएक्शन प्रोसीड इन द बेसिक मीडियम एड ओ एच नेगेटिव आयन टू मेक द चार्जेस इक्वल। तो फिर हमने इसमें ओ एच नेगेटिव आयन एड किया टू मेक द चार्जेस इक्वल, ठीक है। माइनस टू के कम चार्ज थे इस साइड, सो दैट्स वाई हमने माइनस टू यहाँ पर एड किया। आप यहाँ से भी देख सकते हैं बेटा, माइनस वन का चार्ज है सिर्फ, और यहाँ पर माइनस वन है ठीक है, माइनस के टू है, तो दैट्स वाई यहाँ पर टू ऐड किया हमने, ठीक है, टू मेक द चार्जेस इक्वल, ठीक है, ऑन बोथ दी साइड। नाउ स्टेप फाइव में ऐड H2O टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम। सो ये बेसिक मीडियम में था कि कैसे आपने बैलेंस करना है इक्वेशंस को। सो आई होप आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ईजिली किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख गए होंगे। सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस इन योर एनसीईआरटी लास्ट एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज, सो काइंडली प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस, ठीक है। सो मैंने आपको एक मेथड बताया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेथड। नेक्स्ट जो मेथड मैं आपको बताऊंगा दैट इज द ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल से कैसे आप किसी रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। तो ये स्टूडेंट सेकेंड मेथड है हाफ रिएक्शन मेथड। सो हाफ रिएक्शन मेथड से फॉर एग्जांपल आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शंस राइट करेंगे सिमिलर बेसिस। सिंपली मैंने ये रिएक्शन राइट की है जैसे Fe2+ + Cr2O7 नेगेटिव, फिर आपने इनका ऑक्सीडेशन नंबर इनके ऊपर देना है, ठीक है। तो बेसिकली ये प्लस सिक्स चार्ज है, तो देर इज़ ए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर हो रही है बेटा रिडक्शन, ठीक है, और यहाँ पर हो रही है Fe2 Fe3 में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन। फिर हम क्या करेंगे, द इफ द रिएक्शन ऑकर इन एसिडिक मीडियम एड H2O टू बैलेंस दी ऑक्सीजन एंड एड H+ आयन टू बैलेंस दी H+ आयन, ठीक है। सो इंडिविजुअली आपने ईच हाफ रिएक्शंस में H+ और H2O आयन को ऐड करना है, ठीक है, और फिर इनको दोनों को कंबाइन करना है, और फिर आपकी एक एट द एंड बैलेंस केमिकल यू ऑब्टेन द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। सो सिमिलर मैंने एक मेथड आपको सिखा दी कि ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है ऑक्सीडेशन हाफ, OH का मीनिंग है ऑक्सीडेशन हाफ सर, Fe2+ कन्वर्ट टू Fe3+, ठीक है। सो देर इज ए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो दैट इज ऑक्सीडेशन, एंड देर इज ए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस सिक्स से प्लस थ्री में जा रहा है, तो क्या हो रही है रिडक्शन हो रही है। फिर आपने क्या करना है बेटा, इस इक्वेशन को मान लो, इस इक्वेशन को हमने उठाया और इसको बैलेंस किया, तो चार्ज को इक्वल करने के लिए ऐड 14H+ आयन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पर चार्ज कम है, ठीक है। टू बैलेंस द चार्ज एंड टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम एड H+ आयन एंड H2O ऑन दी बोथ दी साइड। तो सिमिलर, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में हो रही है, सिमिलरली आप Fe2 के लिए करेंगे सेम करेंगे, फिर इनको एट द एंड आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे दोनों को, जो कटता है कट देंगे, और एट द एंड यू गॉट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो दैट मेथड इज कॉल्ड हाफ रिएक्शन मेथड्स, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको सिखाया कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड बाय हाफ रिएक्शन मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड वेरी इजी मेथड है, एंड हाफ रिएक्शन मेथड थोड़ा सा लेंथी है, बट ये भी इजी है। इसमें आपने ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल को अलग अलग से बैलेंस करना है और फिर उनको ऐड कर देना है, एंड यू गॉट द फाइनल रिजल्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट, एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, रिडॉक्स रिएक्शंस।
Now we are proceed further for inorganic chemistry, that is hydrogen S block and some P block elements. Thank you, students.